एक्यू जेम स्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मुस्तनद और मयारी नगीने अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं, एक्यू जेम स्टोन से रब्ता करके आप असली और मुस्तनद नगीने हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अस्सलामु अलैकुम। मेरी बात के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा मौजू है ज़हनी अज़ियत। ज़हनी अज़ियत किसी भी किस्म की किसी भी सूरत में हो सकती है, किसी रिश्ते की वजह से हो सकती है, किसी से इख्तलाफ़ पैदा होने की वजह से हो सकती है, ज़हनी दबाव अखराजात में इजाफ़ा होने की वजह से हो सकती है, तन्हाई का शिकार हों, दिल की बात करने का मौका ना मिले, बच्चों की नाफरमानी हो, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात हों, घर का सुख ना हो, कारोबार के अंदर मुनाफा ना हो, तो गर्ज़ के हर वो चीज़ जो आपके लिए ज़हनी अज़ियत का बाइस बन जाए, इसको इल्मे नजूम में हम मुश्तरी से देखते हैं। आपको नहीं पता आपका जायचा क्या कहता है, आपने कैसे इस ज़हनी अज़ियत से बचना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या बर्रो, 202 दफ़ा इसको पढ़ना अपना मामूल बनाइए रोज़ाना, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और 22 रुपये का सदका भी अपना निकालिए ताकि ज़हनी अज़ियत से आप लोग बच सकें। और एक नगीना है पीला पखराज, वो भी लेकर पहना जाता है, लेकिन जब भी नगीने का इस्तेमाल करें पहले अपना जायचा बनवाएं फिर उसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।